हाय दोस्तों, आज मैं बहुत ही फायदेमंद आटे लेकर के आई हूँ। जिन्हें डायबिटीज है उन्हें प्लेन गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, उसे डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसमें सारे आटे में पौष्टिक है। ये सारा आटा मैं मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मिक्स करने के बाद सारे आटे को मैं रोटी बना करके खिलाती हूँ। पहला आटा है ज्वार का, 1/2 kg ज्वार, और ये जौ का आटा है, 1/2 kg जौ का आटा, मक्के का आटा 1/2 kg, गेहूं का आटा 1/2 kg, बाजरा का आटा 1/2 kg, और रागी मतलब कि मड़ुआ उसको 1/2 kg। सबको मैं ये 6 तरह का आटा है, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह का आटा को मैं मिक्स कर करके फिर रोटी में खिलाती हूँ। जिन्हें भी डायबिटीज है ना, उन्हें सिर्फ गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, उनसे डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस आटा से खाने से डायबिटीज बहुत कंट्रोल रहता है, खत्म तो नहीं बोलूंगी, खत्म हो जाता है, मगर हाँ डायबिटीज में बहुत फायदेमंद करता है और कंट्रोल रहता है ये आटा खाने से, और अंदर से पावर आता है, क्योंकि गेहूं के आटा में कार्बो होता है, ये सब उतना कम होता है। इसे सब मिक्स कर करके सभी को ये आटा, जिन्हें भी डायबिटीज है सभी को खाना चाहिए। अब इसे मैं मिला करके दिखाती हूँ कि मिलाने पर ये कलर कैसा होता है, वो मैं दिखाती हूँ सबको। मैं एक डब्बे में डालूंगी, आप बड़ा सा भगोना में भी कर करके आप मिला सकते हैं। फिर मैंने मक्का का लिया, कोई भी आगे पीछे ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स तो सबको करना है, सब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हो गया रागी का, नॉर्मल गेहूं का आटा भी 1/2 kg देंगे तो रोटी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ऐसे भी इसे रोटी गर्म पानी से आटा इसे गूंथेंगे, मलेंगे, जो भी आप बोलते हैं। अब ये हो गया बाजरे का, और लास्ट में रह गया मेरा जौ का। इस आटे को हम गर्म पानी से में कर करके मिलाएं। किस किस चीज का है आटा पे फिर देख लें, गेहूं का, ज्वार का, रागी का, बाजरा का, जौ का, और ये मक्के का, ये 6 तरह का आटा आप लोग मंगा करके जिन्हें डायबिटीज है वो उन्हें जरूर खिलाए। अब मैं इसे मिलाती हूँ सभी को, मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिलाऊंगी। अगर डब्बा में मिलाते हैं, मेरा मैं इस तरह से मिला चुकी हूं, अब इस तरह से करके मैं सारे आटे को मैं मिलाऊंगी। इस तरह से सारे आटे आपका एकदम बढ़िया से आपको मिक्स हो जाएंगे। कहीं भी नहीं रहेगा, और इससे आपके गंदा हाथ भी गंदा नहीं होंगे। अब मैं देखती हूँ मिला है कि नहीं मिला है। देखिए एकदम एक बराबर मिलकर के आपके आटा, मेरा आटा तैयार हो गया। मैं इसे मलकर दिखाती हूँ, इसे गर्म पानी में मला जाता है। मैं 2 रोटी का ही आटा मलूंगी, इसे मैं गर्म पानी में आटा मलूंगी। देखिए ये भाप निकल रहा है, ठीक है ना, इतना गर्म नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें मैं मिक्स करूंगी। सारे मैंने मिला दिए, सारे 1/2 kg थे मेरे, जार मक्का सब 1/2 kg मैंने लाई थी, और सबको मैं मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसे गुनगुना पानी से इसे आटा गूंथने के बाद आप इसे
कम से कम आधा घंटा आप छोड़ देंगे तो अच्छा रोटी बनेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा रोटी बेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। रोटी भी बना करके मैं भी दिखाऊंगी कि मेरा तुरंत का रोटी है, और आप लोग इसे मैं जब बनाती हूँ तो आधा घंटा मैं छोड़ देती हूँ तब रोटी बनाती हूँ। ऐसे नॉर्मल आटा भी आदमी आधा गूंथता है तो हाफ घंटा छोड़ते हैं, अच्छा रोटी बनता है। उसी तरह इसमें भी वही फंडा है। मेरा ये मैं रोटी बना रही हूँ, इसके हल्के हाथों से स्मूथ हाथों से ही ये रोटी को बेलेंगे। अगर इसको कस करके दबाव करके रोटी बनाएंगे तो ये फट जाएगा, तो हल्के हाथों से स्मूथ करके अगर इसे रोटी को बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये बिल जाता है। और मैं ये तवा पे डाल रही हूँ, रोटी बनने के बाद ही मैं दिखाती हूँ कैसा ये बना है। मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ कि मैं रोटी बना रही तो मैं सोचू अपने हस्बैंड को भी खिला दूं। ये दो रोटी बनकर तैयार हो गया, मैं आपको ले चलती हूँ गैस के पास। रोटी जहाँ पक रहा है, तवा मैं पहले से गर्म कर रखी थी और मेरा ये रोटी बन रहा है। ये हल्का मिट्टी कलर का ये रोटी बनकर तैयार होगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, वाइट वाइट नहीं होगा, मगर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें डायबिटीज है उनको तो यही आटा खाना चाहिए, दूसरा आटा तो खाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, अब मार्केट में सब मिल जाता है, वहां से लेकर के आइए और आटा यही आटा खाइए। देखिए मैं रोटी बन करके तैयार है, इसमें घी लगा करके भी आप दे सकते हैं, मैं बिना घी का दूंगी। इसी तरह से आगे मेरा वीडियो देखते रहे, अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने मैं लाती रहूंगी। थैंक यू, बाय, टाटा।